सामने आ रही है, जहां दंगों के आरोपी भड़काऊ मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मुस्लिम युवकों को नशे के कारोबार में धकेला जा रहा है। नशा खरीदने और बेचने वाला मुस्लिम है, इसको लेकर के उनका बयान सामने आया। वहीं मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों से संबंध के पीछे आरएसएस का हाथ है। वहीं मौलाना तौकीर की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। आपको बता दें, इस तरीके का भड़काऊ बयान उनकी ओर से सामने आया है। साफ तौर पर आरएसएस को मुस्लिम युवतियों को लेकर के तमाम बयान वो देते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ साथ दंगों के आरोपी इस मौलाना का बयान सामने आया। मुस्लिम युवकों को नशे के कारोबार में धकेला जा रहा है, नशा खरीदने और बेचने वाला मुसलमान है, इस तरीके का विवादित बयान उनकी ओर से सामने आया है। वहीं मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों से संबंध के पीछे आरएसएस का हाथ है। तो ये वीडियो जो है मौलाना तौकीर का, ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और इस तरीके का भड़काऊ बयान मौलाना तौकीर की ओर से दिया गया है। और ऐसी साजिश दी हुई है और असल मसला ये है कि ये मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के पीछे आरएसएस का रहस्य, और ऐसे लड़कों को बाकायदा फाइनेंस किया जा रहा है। और हम तो पहले बार बार ये सुनते थे, बार बार ये बात आती थी कि गयूर नौजवान, आज मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवानों में गैरत नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। और ये जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम बस्तियों में देर रात तक लड़के चबूतरों पर, लिंटरों पर बैठे हुए हैं, गोल के गोल बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मोबाइल पे बिजी है, ये काहे में बिजी है, असल में वो नशे में बिजी। और आजकल जो सूखा नशा चल रहा है वो ज्यादा जहर है। इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये भड़काऊ बयान सामने आया है और साफ तौर पर यहाँ पर तमाम आरोप जो हैं वो आरएसएस पर लगाए हैं, मुस्लिम युवकों को लेकर के तमाम आरोप लगाए गए हैं, इनको लेकर के क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं आशीष? देखिए, आपको बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा हमेशा से ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो प्रधानमंत्री मोदी को धतराष्ट्र कहकर संबोधित करते हैं, कभी वो पुष्कर सिंह धामी को गालियां देते हैं। इस तरह से लगातार जो है उनके ऊपर न केवल बरेली दंगे का आरोप है, बल्कि वो भड़काऊ मौलाना के नाम से मशहूर है। अब एक और उनका वीडियो सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि जो मुस्लिम युवतियां हिंदू धर्म अपना रही है उसके लिए बाकायदा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, आरएसएस द्वारा ये कैंपेन चलाया जा रहा है और लड़कों को फंडिंग भी की जा रही है। लिहाजा मौलाना तौकीर रजा जो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, उनका ये बयान सामने आया तो निश्चित तौर पर जो हिंदुवादी संगठन है उनकी प्रतिक्रिया इसके बाद सामने आना शुरू होगी। और लगातार मौलाना जो है इस तरह के बयान देते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहे। जी, इसी के साथ साथ तमाम और बयान जो हैं वो इनके लगातार सामने आते हैं, क्या कुछ कारण रहते हैं जो इस तरीके के बयान ये लगातार देते आते हैं? साफ तौर पर मुस्लिम युवतियों पर भी इनका बयान सामने आया, मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, मुस्लिम लोगों का इस पूरे बयान को लेकर के क्या कुछ कहना पड़ रहा है? देखिए, चूंकि ये तमाम जो इनके पिछले बयान थे, उसके बाद जो विवाद हुए और उसके बाद जो मुकदमे लिखे गए, उसके बाद मौलाना तौकीर रजा कुछ चुनाव के समय कुछ दिन के लिए भूमिगत हो गए, लेकिन अब उन्होंने मीडिया से सीधे बातचीत करना बंद कर दिया है। लेकिन इस तरह से वीडियो उन्होंने पहली बार जारी किया है, तो निश्चित तौर पर आज सुबह ये वीडियो जारी हुआ है तो इसके बाद जो हिंदू संगठन है उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। और रही बात इस तरह के बयानों की, तो मौलाना तौकीर रजा इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल जो उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लिहाजा चर्चाओं में बने रहने के लिए लगातार वो इस तरह के बयान देते हैं। और जो भी देश के राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या फिर जो विवादित मुद्दे होते हैं उसमें खुलकर वो प्रतिक्रिया देते रहते हैं। जी, इन तरीके के जो बयान इनकी ओर से लगातार सामने आते हैं, क्या इन बयानों को लेकर के कुछ कार्रवाई इन पर देखने को मिली है? किस तरीके का रिएक्शन, कोई पॉलिटिकल रिएक्शन इन पर आया है? देखिए, तमाम जो पॉलिटिकल हस्तियां हैं वो मौलाना तौकीर रजा के बयानों पर प्रतिक्रिया देती रही हैं। इसके अलावा जो पहले ये बरेली दंगा हुआ था उसका भी कोर्ट ने इनका सुमोटो लिया था और उसके बाद इनको बरेली दंगों का मास्टरमाइंड बताया था, वहां पर भी भड़काऊ तकरीर दी गई थी। इसके अलावा जो और बयान इन्होंने दिए हैं उन सभी में प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है, उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। उन सब पर लगातार तमाम जो है सुनवाई चल रही है, लेकिन अब लंबे समय के बाद, लगभग 2-3 महीने के अंतराल के बाद मौलाना तौकीर रजा ने ये वीडियो जारी किया है और उसमें सीधे सीधे उन्होंने आरएसएस पर हमला बोला है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो मौलाना तौकीर के वीडियो जो है वो सामने आए। इसी के साथ साथ आशीष, एक और चीज जो इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रही है, किस तरीके का बयान इनकी ओर से सामने आता है, फिर इसी बयान को लेकर के लगातार एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, एक मोटिव बनाया जाता है, और इसीलिए इनकी शुरुआत ये पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा की जो होती है वो इनके बयान से होती है। उसके बाद लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो है वो सोशल मीडिया पर चालू हो जाती है, कहीं ना कहीं उसका ही एक अंश देखा जा सकता है। आशीष,
देखिए, इसमें बहुत रोचक बात यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि मौलाना तौकीर रजा भारतीय जनता पार्टी की ही बी पार्टी है। जब वो इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देते हैं तो निश्चित तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होती है, और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो इससे पूरी तरह से किनारा करती है, चाहे वो हिंदू जागरण मंच हो या फिर हिंदू संगठन हो, वो सभी लोग ना केवल इसकी भर्त्सना करते हैं, वो कई बार मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं और मौलाना के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। जी, इसी के साथ साथ नशे को लेकर के एक और स्टेटमेंट इनकी ओर से सामने आया है, जहां मुस्लिम युवकों की अगर बात करें तो मुस्लिम युवक लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रगति करते हुए देखे जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश भर हो, वहां पर लगातार उनकी एक तरक्की देखी जा रही है और मुस्लिम वर्ग को भी अब एक लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। हमने तमाम चीजें देखी है कि उनको भी तमाम योजनाएं जो हैं वो लगातार दी जा रही है, लगातार उन्हें भी अपग्रेडेड रखा जा रहा है, लेकिन इस तरीके के जब बयान सामने आते तो मुस्लिम समाज की ओर से किस तरीके का बयान सामने आता है ऐसे मौलाना को लेकर? देखिए, इसमें मैं एक कुछ और जोड़ना चाहूंगा कि जितनी भी बरेली में अब तक 150 शादियां हुई हैं, 150 से ज्यादा शादियां बरेली में हो चुकी हैं, जो मुस्लिम युवतियों ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू युवकों के साथ में शादी की है, उन सभी का कहना यह था कि मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं, जो तीन तलाक और हलाला जैसे वो है, उसमें वहां पर उनको जो अपना वैवाहिक जीवन है वो सुरक्षित दिखाई नहीं देता, इस वजह से वो उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है और हिंदू धर्म युवक के साथ में शादी की है। तो लिहाजा इस तरह की जो चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं, जो मुस्लिम समाज के पूरा जो राजनीति करने का दम भरते हैं, उन लोगों पर तो सवालिया निशान खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव सेट होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस्लाम में जो विवाह की प्रथा है जिसमें जिस तरह से लगातार तीन तलाक दिया जा सकता है, हालांकि सरकार ने अब इस पर कानून भी बना दिया है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो लिहाजा अब जब लगातार मुस्लिम युवतियों के धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं तो इस ऐसे में मौलाना तौकीर रजा ने यह बयान दिया है, उसमें न केवल आरएसएस पर सवाल उठाए हैं बल्कि अपनी कौम पर भी उन्होंने कहा है कि युवक जो है वो नशे के आदी होते जा रहे हैं, लिहाजा जो है कहीं ना कहीं जो मुस्लिम युवतियां हैं उनका मुस्लिम युवकों से मोह भंग हो रहा है। जिस तरीके से तीन तलाक का ऐतिहासिक फैसला लिया गया, लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से भी इसको लेकर के लगातार सपोर्ट देखने को मिला है सरकार के लिए, और इस तरीके का बयान सामने आता है, मुस्लिम युवतियों की क्या रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं? देखिए, जिन जिन युवतियों ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू रीति रिवाज से शादी की, उन सभी ने सीधे सीधे कैमरे पर बोलने से बची, लेकिन जहां पर उनकी शादी कराई गई वहां से उनका एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उनका साफ साफ कहना था कि जो वहां पर सुरक्षा की भावना है वो कहीं ना कहीं उनको इस्लाम धर्म में नहीं दिखाई देती है, लिहाजा वो अपना उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद वो धर्म परिवर्तन करके हिंदू युवक के साथ में शादी कर रही हैं। तो ये नैरेटिव, चूंकि बरेली में 150 से ज्यादा शादियां हो चुकी हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों में भी इस तरह के मामले सामने आए होंगे, तो ये जो नैरेटिव है धीरे धीरे सेट होता जा रहा है, जिसके बाद लगता है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको कुछ चिंता होना लाजमी है। जी आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन एक बार फिर से तौकीर रजा का आपको ये बयान सुनाना चाहते हैं। हजरत, आजकल अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में और खसूसी तौर पर बरेली और इसके अतराफ में इर्तिदाद के मामलात बहुत सामने आ रहे हैं, तो इसके पीछे किसी की साजिश लग रही है या सोची समझी तदबीरें हैं, या किस नज़रिए से देखते हैं इसको? साजिश खुली हुई है और असल मसला यह है कि एक मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के पीछे आरएसएस का पूरा हाथ है, और ऐसे लड़कों को बाकायदा फाइनेंस किया जा रहा है, लेकिन किसकी साजिश है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। असल मुश्किल ये है कि हमारी गैरत को क्या हुआ। वो लड़की तो मौलाना तौकीर की ओर से ये विवादित बयान लगातार सामने आया है, साफ तौर पर मुस्लिम लड़कियों पर ही सवाल उठाते हुए नजर आए हैं, और लगातार इसको लेकर के अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लगातार विपक्षी दल जो है वो उनके बयान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष जो है इस बयान का खंडन करते हुए नजर आ रही है, वहीं